हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सना की मंजिल में आप सब लोगों का खैर मकदम है। जैसा कि आपने देखा, आज मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही अच्छी रेसिपी है। मसाला भिंडी की रेसिपी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और लास्ट तक देखें। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मेरी वीडियो पसंद करेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये है भिंडी जो कि हमने धोकर काट कर रखी है, और ये है हमारा मसाला। ये है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये है 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, और ये 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, और ये है नींबू। फ्रेंड्स, आप इसकी जगह खटाई आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इस टाइम अवेलेबल नहीं था मेरे पास, तो मैंने नींबू ले ली, लेमन ले लिया है, तो आप ये भी डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हम आपको दिखा रहे हैं भिंडी, इस तरीके से बीच से काटी जाएगी, ये ऐसे बनेगी ताकि इसमें मसाला अच्छे से मिल सके। ये हम इस तरीके से भिंडी काट रहे हैं बीच से। देखिए देखिए व्यूअर्स, आपको समझ आ रहा होगा इसमें हम मसाला अच्छे से मिल सकता है। देखिए, तो इस तरीके से हम सारी भिंडी कट कर लेंगे। स्टार्ट। देखिए व्यूअर्स, हम डालना है हल्दी पाउडर इसमें, इस तरीके से हमें डालना है सब चीज़। ये कोरिएंडर पाउडर, ये चिली रेड चिली पाउडर, और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये है नींबू। अब हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे इसमें डालकर। ये हम इसको इस तरीके से पहले मसाले को 5 मिनट मिक्स करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से, ताकि इसका मसाला सब इसमें मिक्स हो जाए इस तरीके से। ये बहुत ही टेस्टी भिंडी बनकर मसाला भिंडी तैयार होगी, जो आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अब ये हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। ये हमारी भिंडी मिक्स हो गई है मसाले में, हल्दी ज़्यादा डाली जाती है थोड़ी। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया। और इनाया, आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? मैं मम्मी की हेल्प कर रही हूँ। क्या क्या हेल्प किया आपने? मैंने उन्हें देखा। और? मैंने स्पून किया। अच्छा, और क्या दिया? जो जो उन्हें चाहिए था वो सब दिया। ओके बाय। जैसे फ्रेंड्स देखा आपने, हमने ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डाल रहे हैं जीरा और थोड़ी सी हींग, और अब हम इसके बाद डालेंगे भिंडी। हम इस तरीके से डाल देंगे भिंडी। फ्रेंड्स, हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, क्योंकि ये इसका टेस्ट खराब हो सकता है, इसलिए इसे इसी तरीके से फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से फ्राई करना है। अब हमें डालना है, इसमें ऐड करना होगा सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करना है हमें इसमें। वो आप अपने हिसाब से जितना खाते हैं आप लोग डाल सकते हैं, कम खाते हैं कम डालें, ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा डालें, कैसा भी आप इसमें सॉल्ट डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। फ्रेंड्स, अभी हमें इसे थोड़ी देर भूनना होगा। भूनने के बाद इसको 10 मिनट के लिए हम पकने रख देंगे। अभी थोड़ा हमें इसको 5-10 मिनट भूनना होगा, ताकि इसके मसाले की सब
खुशबू उसमें से। मसाला अच्छी तरीके से पक जाए। कुछ देर बाद मुलाकात करते हैं सर। जी देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छी करारी चटपटी भिंडी बनकर तैयार हुई है, जो बहुत ही अच्छी टेस्टी लग रही है, दिखने में भी अच्छी है। आप लोग भी अपने घर पर बनाएं और एंजॉय करें और खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें।